सब्सक्राइब करें News89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि पिछले कुछ दिनों से राजपुरा के पटेल पब्लिक स्कूल का मामला लोगों के चर्चा का विषय बना हुआ है कि पटेल पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल अंजलि सिंह ने राजपुरा के विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज व पटेल मैनेजमेंट सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी महिंदर सहगल पर दुर्व्यवहार करने के आरोप चंडीगढ़ में प्रेस के सामने लगाए थे, जिस पर राजपुरा के विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज ने उन पर लगे सभी आरोपों को गलत बताया था। वहीं दूसरी ओर इस मामले को भाजपा पंजाब के उप प्रधान सरदार हरजीत सिंह गरेवाल ने गरमाता देख इस मामले को अपने हाथ में लेते हुए स्कूल की प्रिंसिपल अंजलि सिंह को अपना समर्थन देते हुए व अपने सबसे बड़े राजसी दुश्मन सरदार कंबोज को चारों ओर से घेरते हुए आज राजपुरा में अपने भाजपा दफ्तर में प्रिंसिपल अंजलि सिंह गनौर की पूर्व विधायिका बीबी हरप्रीत कौर मुखबैलपुर सहित अन्य नेताओं के साथ एक प्रेस वार्ता रखी, जहां उन्होंने कांग्रेसी विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज को बदनाम व उनकी छवि खराब करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। आखिर छोड़े भी क्यों ना, सरदार गरेवाल को जब भी नेशनल न्यूज चैनल पर बोलने का मौका मिलता है तो 45 मिनटों की डिबेट में वह आधा घंटा सिर्फ सरदार हरदयाल सिंह कंबोज पर ही बोलना पसंद करते हैं। दूसरी ओर जब पत्रकारों ने प्रिंसिपल अंजलि सिंह से उनके ऊपर हुए दुर्व्यवहार के बारे में सवाल पूछने शुरू किए तो वह पत्रकारों के सवाल देती हुई काफी घबराई हुई नजर आई और किसी भी सवाल का जवाब स्पष्ट नहीं दे पाई। उनको किए गए लगभग सभी सवालों के जवाब भी सरदार हरजीत सिंह गरेवाल ही देते हुए नजर आए। आप ही देखें कि पत्रकारों के जवाब में प्रिंसिपल अंजलि सिंह व सरदार हरजीत सिंह गरेवाल क्या कहते हुए नजर आए। ड्यूटी का निर्वहन नहीं कर दिया जा रहा और इन्हां नूं जिस तरह इन्होंने प्रेस क्लब जाके दस्या और वुमेन कमीशन कंप्लेंट की है उसके मुताबिक MLA के खिलाफ परचा दर्ज होना चाहिए और महिंदर सहगल के खिलाफ भी और उन्होंने कार्रवाई होनी चाहिए है और उन्होंने हुण विद्यक अदारे च भी इस तरह का काम शुरू करता है और विद्यक अदारे च काम करने वाले जिहड़े साडे भैण आ उन्होंने इस तरह का दुर्व्यवहार करना मैं समझदा ये मुकदमा दर्ज करके इन जेल भेजा जाना चाहिए। ये साडी मंग आ श्रोमणी अकाली दल भाजपा के असल च महिला मोर्चा तो इसी अकाली दल का सीगा अज कथ तो बाकी जिहड़े भी भरा आए मैं उन्होंने सारे का धन्यवादी हाँ तुहाडा पत्रकार वीरां दा भी कि तुम इंसाफ की लड़ाई साडा। गरेवाल साहब तुम डिबेट च किया भी मैडम 20 साल हो गए उत्थे काम करदे नूं, ये 20 साल पटेल कॉलेज काम करदे होंगे कि प्रिंसिपल है जी तो जॉब करदे इस विद्यक अदारे च काम कर रहे 20 साल तो कंबोज साहब ने मेरे दुर्व्यवहार किया महिंदर सहगल ने आ किया प्रेस कॉन्फ्रेंस राही दस रहे ना भी मैडम दे जो टूर लेके गए ओ चाह कमियां सी ए लोगों के पेरेंट्स वालों कंप्लेंट्स आई है क्योंकि महिंदर सहगल नूं भी बने नूं बहुत देर हो गई हरदयाल कंबोज नूं भी 7 महीने हो गए ये हुणी क्यों कारण होया जिवें कब्जा कीता उन्होंने महिंदर सहगल ने हरदयाल कंबोज ने शरीफ आदमी तुसीं जानदे हो नहीं उह तां काफी देर हो गई उन्हां नूं कॉलेज ते कब्जा कीते होया उन्हां द्वारा इह कहा जा रहा सी कि मैडम नूं कॉलेज तों बाहर करन वास्ते 6 महीने तों कारवाई चल रही सी इस करके मैडम ने आरोप लाए कोई गल नहीं जो सत्ता च ने उह कुछ कर सकदे आ पर उन्हां दी सत्ता दा ਗਰੂਰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੰਬੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨ ਦਿੱਤਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੁੱਕੇ ਦੇ ਦੱਸਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਡਮ ਕੋ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ इस मामले ते हरदयाल ते परचा दर्ज करो महिंदर सहगल ते परचा दर्ज करो भैन नूं साडी नूं इंसाफ दिओ नहीं तो मैं तुहाडे सारयां दे सामने वादा करदा साडी सरकार आउण ते इहनां दी जिहड़ी रुकी हुई तनखा ओह मिलूगी इसे पोस्ट ते बहाल होणगे इहनां बदमाशां दे खिलाफ मुकदमा दर्ज उस टाइम करदे कमोल साहब तुसीं टाली वाले चौक ते धरना ला रहे हो जां पुतला साड़ रहे हो दूजे पासे टाली लगी हुई है इहदे बारे की कहना चाहुंदे 144 भी तोड़ांगे DC नूं परमिशन देनी पैणी है ओहदी भी कंप्लेंट करन जा रहा मैं। गरेवाल साहब तुसीं ना डिबेट च इक गल कही है भी हरदयाल सिंह कंबोज ने मैडम दी इज्जत ते हत्थ पाया है मीडिया
ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਗਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ 4000 ਰੁਪਏ ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ 3-star ਹੋਟਲਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਬਣੀ ਜਾਣ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜੋ ਜੋ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਨਾ ਮੈਡਮ ਜੋ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ मैडम कितनी देर तू परेशान कर रहे थे साइकिल कितनी देर तू परेशान कर रहे क्योंकि तुम क्या है कुछ देर पहले और ब्लेम लाया है कि मैंने साइकिल काफी देर तो तंग कर रहे हैं कि देर तू तंग कर रहे थे सर वैसे तो उन्होंने मेरे अगेंस्ट कोई ना कोई इशू बना के रखना ही होंगे ये मैं आप नहीं कह रही तुसी चाहे मेरे जार और जो मैनेजमेंट मेंबर्स तुसी उन्होंने तो भी पूछ लो कि उन्होंने मेरे हर काम विच कोई ना कोई नुक्स निकाल के तुसी पहले क्यों ना कीता है काम हूं तो कि मैं आई वांटेड टू कीप क्वाइट बिकॉज मैं स्कूल का नाम बदनाम नहीं होने देना चाह रही थी तुम्हें फोन कॉल्स आती थी कि मतलब बाय फेस तुम्हें क्या जाता था फोन कॉल्स आई थी कि बाय फेस तुम्हें मतलब मैसेज यार भैन साडी कहे जे सवाल करी जांदे हो मिस्टर साइकिल दा हाल तुसी 4 साल बाद देख लियो मैं दिखाऊंगा तुम्हें अगर शांति गल करो शांति दसो जो गल सर जद जद इन वे रोप ही लाते फिर देखो प्रेस बैठी है शांति गल करो देखो चलो तो कहने भी सानू कहीं मिले नहीं मैडम आराम नाल गल करो कदों मिले कदों नहीं मिले गरेवाल साहब क्वेश्चन ये भी मैडम मतलब वो फोन मतलब कदे दूसरी ओर आज भाजपा पंजाब के उप प्रधान सरदार हरजीत सिंह गरेवाल द्वारा बार बार विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज के बारे में अपशब्द व प्रिंसिपल अंजलि सिंह द्वारा सरदार हरदयाल सिंह कंबोज पर आरोप के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस प्रधान नरेंद्र शास्त्री की अगुवाई में राजपुरा के झंडा ग्राउंड में एक विशाल इकट्ठ किया गया जहाँ पर कई कांग्रेसी नेताओं ने सरदार हरजीत सिंह गरेवाल पर गंदी राजनीति करने व प्रिंसिपल द्वारा सरदार कंबोज को बदनाम करने के आरोप लगाते हुए झंडा ग्राउंड से लेकर राजपुरा के टालीवाला चौक तक सरदार गरेवाल का पुतला उठाकर रोष प्रदर्शन किया वह टालीवाला चौक में पहुंचकर कई वक्ताओं ने अपने अपने विचार प्रकट किए हार स्वीकार करनी चाहिए ना कि गंदी राजनीति च पैके खोजा इल्जाम दूजे उपर लाया जाए मैं नारी शक्ति वूमेन सेल की प्रेजिडेंट पंजाब प्रेजिडेंट हाँ अनुपमा कौशल और मैं संगरूर तो आई हाँ असी अपना हरदयाल कंबोज के नाल खड़े हाँ अभी इस लड़की ने नुकसान पहुंचाया
बहुत गलत किया है जो असी बर्दाश्त नहीं करांगे। वैसे साड़ी संस्था हमेशा नारी के नाम खड़ती है, बट जो गलत नारी है उसका असी कदे भी साथ नहीं देवांगे, बर्दाश्त नहीं करांगे, क्योंकि हरदयाल कंबोज की बहुत अच्छी छवि है, बहुत वधिया इंसान ने वो। इस मौके पर कांग्रेसी वर्करों ने भाजपा के उप प्रधान सरदार हरजीत सिंह गरेवाल का पुतला फूका और जमकर नारेबाजी कर अपना रोष प्रकट किया। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस प्रधान श्री नरेंद्र शास्त्री ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मतलब सारे शहर वासियों का धरना, किसी पार्टी विशेष का धरना नहीं है, सारे वर्ग के लोग आए थे, क्योंकि असि पिछले कुछ समय तो देख रहे हैं जिहड़े बीजेपी के इतने लाए हुए इंचार्ज इलेक्शन हारन तो बाद नवे काम ऐसा कर रहे हैं कि जो शहर का भाईचारा खराब हो गया। मैं शहर वासियों को यह कहना चाहना कि अतवाद के टाइम भी साडा भाईचारा कभी खराब नहीं, लंबे टाइम अतवाद तो हो गया पंजाब ने, उस तो बाद राज खराना जी रहे, चाहे उन्होंने सीबीआई का केस दर्ज होया सीगा, पर शहर कभी किसी ने ऐसा जो है किसी ने दुश्मनबाजी नहीं की, जो कि असं भाईचारे को कदर जानते होती, परंतु हूँ ये जो हम गरेवाल साहब आए हैं इन्होंने जी बड़ी कोची हरकत की। प्रिंसीपल का मैटर है, मैनेजमेंट का मैटर है, मैनेजमेंट में जो वो कारगुजारी पसंद नहीं है तो उन्होंने वो इनकुआरी जी बिठाई हुई है, वह रिजल्ट लाना सी और वास्ते एक MLA साहब से एलीगेशन लाना, और ऐसा MLA जो किसी भैन भैन बगैर बच्चे बगैर तो गल नहीं करना चाहता, छोटी छोटी बच्चिया साड़िया भैन धियां साड़िया अपने अपने कामों लैके बगैर मापे ने चली जाए भी साढ़े कंबोज जंकर मिल गया है, कंबोज अंबर मिल गया है, और ऐसी शख्सियत के खिलाफ ऐसी दूषणबाजी कर रही, मैं समझता गरेवाल साहब ने ये समाज के चुकने वाली गल की है, क्योंकि गल वो करो जो बंद दागदार हो, बेदाग शख्सियत है तुम दागदा की कट लोगे। तो मैं शहर वासियों को कहना चाहना और मैं विशेष तौर पर बीजेपी के जो वर्कर रहे उन्होंने कहना चाहना, काफ़ी तारे उन्होंने छड़ के जा चुके हैं जेडे इन्हों के नाल है, वो भी समझ लाए इस गल तो कि इस लीडर तो ये कुछ नहीं हट सकते, क्योंकि जेडे बंदे शहर के जेडे लोगों की जी है फितरत नहीं पता कि लोग क्या चाहते उसे आज राजपुरा की राजनीति में एक बात देखने को मिली कि विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज के मुकाबले में चुनाव लड़ चुके आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आशुतोष जोशी के पिता श्री तरसेम जोशी भी सरदार हरदयाल सिंह कंबोज के समर्थन में खुलकर सामने आए और उन्होंने सरदार कंबोज पर लगे सभी आरोपों को झूठ बताते हुए कहा कि मैं पिछले 15-20 साल तो सरदार हरदयाल सिंह कंबोज नाल बड़ी नेड़ता में रही है, जिवें कि 20-25 बंदे जो बहुत रेड़े होते हैं मैं उन्होंने चो एक सी, तो मैं नहीं समझता कि इस गल कोई सच्चाई है, ये सारा कुछ झूठ है, निराधार है, इहदा कोई आधार नहीं, तो इहोजी गल कंबोज साहब कदे नहीं कर सकते, क्योंकि जिन्नी देर मैं देखे उन्होंने वह हमेशा वड्डी नूं मां बराबरी दी नूं भैन ते छोटी नूं धी समझते रहे, वह इहजा मैं सुपने च भी नहीं सोच सकता कि हरदयाल सिंह कंबोज इहजी कोई गल कर सकता, यह सारा झूठ है। कि तुहानूं कुछ ये लगता है भी जिवें हरजीत सिंह गरेवाल ने काफ़ी गल्लां कहीं हैं भी डिबेट भी उन्होंने उन्होंने इज्जत नूं हत्थ पाया या कुछ देखो ये लोग राजनीतिक हैं, मैं ये बारे कुछ नहीं कह सकता, हाँ जी वो कुछ भी कह सकते हैं ना कोई किसी ने रोक सकता है, पर जो मेरे अपने विचार हैं ये सारा कुछ झूठ है जो कुछ हरदयाल कंबोज बारे कहा जा रहा है। इसके अलावा स्कूल एसोसिएशन राजपुरा के जनरल सेक्रेटरी श्री ओम प्रकाश अरोड़ा व समाज सेवी सरदार गुरबाज सिंह ने भी आरोपों को झूठा बताते हुए क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। मैंने अखबारों के अंदर कुछ न्यूज़ छपी है वो पढ़ी है मैंने, और मैं पर्सनल अपने विचार ये रखना चाहता हूँ कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये संस्था के लिए भी गलत है, सामाजिक इंस्टीट्यूशंस के लिए शैक्षणिक जो संस्थाएं हैं उनके लिए भी गलत है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए थी। कंबोज साहब को पिछले कई वर्षों से जानता हूँ, पर्सनली उनसे मुलाकात का भी मौका हुआ है, स्कूल में भी आए हैं, हम भी उनके पास जाते रहते हैं, उनके बारे में ऐसी बात सोचना भी मैं जो है समझता हूँ ये गलत है। वो इस प्रवृत्ति के आदमी नहीं हैं, वो अपने दूसरों को भी जो लेडीज स्टाफ है या दूसरों को अपना एक पारिवारिक मेंबर समझ के बात करते हैं, लड़कियों के साथ बहु बेटियों के साथ स्कूल के टीचर्स के साथ जैसे अपना एक परिवार का सदस्य होता है उनसे बात करते हैं, ऐसे बात करते हैं। हो सकता है कि उन्होंने उसको अपना बच्चा समझ के या कुछ को उसको समझाने की यदि कोई ऐसी बात हुई है कोशिश की हो तो मैडम ने उसको गलत इंटरप्रेट करके उसको किसी और तरीके से वो किया हो, अदरवाइज मैं समझता हूँ कि कंबोज साहब के बारे में ऐसा सोचना भी एक गुनाह है,
एक मन के अंदर ऐसी भावना लाना भी मैं तो समझूंगा कि ये बिल्कुल गलत है और हमें सोचना चाहिए। यदि कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो ये बेहतर होता यदि वो बैठ के उनसे बात करके समझ जाती, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू पब्लिक या वो मीडिया के अंदर जाते या ऐसी बातें करते। जहाँ तक गरेवाल साहब का है, उनकी स्टेटमेंट क्या है, उन्होंने क्या कहा है, मैंने ना पढ़ा है ना मुझे पता है, लेकिन कंबोज साहब के बारे में मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि वो इस प्रवृत्ति के बिल्कुल आदमी है नहीं। उनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, कहा भी नहीं जा सकता, ये बिल्कुल ही सरासर गलत है। मेरा शुभ नाम जी गुरबाज सिंह। हाँ जी, हाँ जी, पिंड पिलखणी जी अपना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। ये जो पिछे असी कल तो एक बयान सुने मैडम का, जिहड़ी कि मैडम ने सरदार दयाल सिंह कंबोज ते एक बेमनियाद एक बड़ा ही माड़ा बयान दिता है कि प्रधान जी ने मैनू इस तरह किया, कुछ होर किया। वेखो गल इस तरह, मैं सारिया ही पार्टियां तो उत्ते हो के एक वक्रे तौर पर वो कि इंसान तो इंसानियत को मुख रख के मैं बयान दिना पाया। ठीक है जी, मेरा सारे नाल प्यार है, मैं सह सत्कार करना वा, पर कई बार ऐसा होंगे भी किसी इंसान आप विछड़े होंगे परिवार तौर पर। यह चीज़ मैं मुख रख के बयान दे रहा वा भी जिहड़ा कि मैडम ने बयान लाया बिल्कुल गलत है, बेमनियाद है, इसकी कोई मनियाद नहीं हैगी। वेखो मैडम भी चलो लेडीज है, साडे गुरुआं ने भी किया औरत का सत्कार करना, असं हूँ भी करते हाँ करते रहेंगे, पर मैडम जी ने मेरी एक जरूर बेनती है कि मैडम जी तुम परिवार वाले हो, बच्चों वाले हो, तुहाडे मूँह तो एक गल शोभा नहीं दिंदी। ठीक है तुहाडे अहुदे ते जां कोई तुहाडे स्कूल का कोई हिसाब किताब सी, एक अलग चीज़ सी। दोबारा फिर जरूर बेनती करांगा भी राजपुरा के इलाके होर भी जिन्ने कोई स्कूल ने कॉलेज ने जिथे साडियां भैणां जां मैडमां टीचर ने जां उत्थे कोई प्रिंसीपल स्कूल दियां ने, वो किसी भी किसी पोलीटिकल दबाव थले आके ऐसा बयान ना लाण। मेरा यह सोचना भी असी बयान लाता उन्होंने अपनी इज्जत ते शान दे विच भी फर्क पैंदा, इस चीज़ को मुख रखिया करो जरूर। मैं इस करके कह रहा वा भी जो ये मैडम ने प्रधान जी के खिलाफ बयान बोलिया, वह प्रधान जी के थां सरदार गुरबाज सिंह गुरद्वारा साहब बनने तैयार है। जे मैडम अपने बच्चे लैके वरती है तो असं बिल्कुल झिझकां गुरु घर जाने, वो क्यों कि मैं उस इंसान के पार्टियां तो इलावा भी इंसान तो इंसानियत वेखी है जिहड़ी कि गुरबाज सिंह दे नाल विछड़ी हुई है। अब यहाँ सारा मामला राजपुरा इलाके की जनता के सामने खुली किताब की तरह है और जनता सब कुछ जानती है कि कौन सच्चा और कौन झूठा, किसने किसके साथ गलत किया और कौन राजनीति का मोहरा बन रहा है। आने वाले दिनों में यह सारा मामला लोगों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी की तरह साफ हो जाएगा। राजपुरा से कैमरामैन ललित कुमार के साथ मीडिया पर्सन संदीप चौधरी, न्यूज 89। सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद।